Assalamualaikum to everyone. आज हम लोग कवर कर रहे हैं जी खाड़ी के लेटेस्ट न्यू कलेक्शंस को। बहुत ही खूबसूरत वैरायटी आ चुकी है जी खाड़ी के स्टोर पर। और चलिए जी शुरुआत करते हैं इस रेडी टू वेयर कलेक्शन से। अच्छा, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है और इसी तरह के तकरीबन अभी 3 से 4 आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो अभी आप शर्ट देख रहे हैं, अच्छी है, खूबसूरत है। प्राइजेस मैंने साथ साथ नीचे मेंशन कर दिए हैं। स्लीव्स पे आपको लेसेस वगैरह मिल रही हैं और साथ में आपको इस टाइप की मोती वगैरह भी ऐड मिल रहा है स्लीव्स पर। ये देख लीजिए भाई, अच्छी लग रही है, खूबसूरत है। फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, सी थ्रो फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अक्सर लाइट फैब्रिक की बात जब होती है, खुसूसन जब ऑफ वाइट बेज कलर की बात होती है या हम देख रहे होते हैं, तो लोग स्पेशली तौर पर पूछ रहे होते हैं कि भाई आप तो सामने से फैब्रिक देखती हैं तो आप हमें बता दीजिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको शॉर्ट चॉक्स यानी कि छोटे चॉक्स के साथ आपको गोल दामन आपको ये शर्ट मिल रही है, ठीक है। अच्छा, ये प्रिंट भी बहुत खूबसूरत है, दुपट्टा भी सेम इसी प्रिंट का है। 4000 की रेंज में आपको ये सिंगल शर्ट मिल रही है, ठीक है। ये नेकलाइन भी देख लेते हैं, अच्छी लग रही है, खूबसूरत आर्टिकल है। दुपट्टा भी इसी के साथ का आपको मैचिंग का ही मिलेगा। चलिए जी मैंने क्वीन पर भी देख लेते हैं एक नज़र इसकी, और ये देख लीजिए, अच्छा लग रहा है, खूबसूरत आर्टिकल है। यानी कि जब मैंने क्वीन पे ये आर्टिकल्स जाते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। अच्छा, ये वाले जो कलेक्शन आई है ना, इसमें दुपट्टा शर्ट और बॉटम्स तीनों के प्रिंट सेम ही हैं। अच्छा, पहले काफ़ी इसको ऑकवर्ड समझा जाता था, यानी अजीब लगता था कि एक ही प्रिंट के यार शर्ट भी, दुपट्टा भी, ट्राउज़र भी। लेकिन अब चूँकि खाड़ी पर ये आ चुका है तो अब ये फैशन में हो गया है, अब सब लोग इसको देख भी रहे हैं। अगर ये कहीं और कोई और आम सा बंदा खुद ही से अपना दिमाग बना के पहनता तो यकीनन वो तो फिर सबसे सुनता ही बातें कि यार ये क्या तुमने तीनों को ही एक ही प्रिंट में फुल सूट को कस्टमाइज़ कर लिया एक ही प्रिंट में। चलिए जी, ये तो बातें होती रहती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर दुपट्टे की प्रिंटिंग आपको डिफरेंट मिल रही है, शर्ट का कलर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, प्रिंटिंग भी अच्छी है। प्लेन शर्ट्स में भी आपको दिखा रही हूँ खाड़ी के। इसके अलावा 3-पीस कोऑर्डिनेट सेट्स भी मैं आपको दिखाऊंगी इनके आगे चल के। फैब्रिक जो है इन सब का मिसूरी लॉन फैब्रिक पे मिल रहा है आपको, जो प्लेन लॉन पे नहीं है। यहाँ पे ना ये जो आप शर्ट देख रहे हैं इसकी मिसूरी लॉन फैब्रिक पर है। और जो पहला वाला मैंने आपको आर्टिकल शो करवाया है ना, उसकी शर्ट तो प्लेन है लेकिन उसका जो दुपट्टा है वो आपको मिसूरी लॉन फैब्रिक पर मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो है बिल्कुल ही प्लेन शर्ट है, इतनी ज़्यादा कुछ इसमें चीज़ें वगैरह ऐड नहीं है, लेसेस वगैरह भी कुछ नहीं है, मोती वगैरह स्लाइटली से ऐड किए हुए नेक लाइन पर, ठीक है। ये देख लीजिए, स्लिट ओपनिंग नेक लाइन के साथ आपको ये शर्ट भी तकरीबन 4000 की रेंज में मिल रही है, प्लेन शर्ट है, ठीक है। अच्छा, दुपट्टा भी देख लेते हैं जी, इसका दुपट्टा इन्होंने यहाँ पर प्रिंटेड है इसके साथ का, ये जो दुपट्टा आया है ना ये प्रिंटेड है। दुपट्टे इनके लॉन के जितने भी दुपट्टे आए हुए हैं उनके प्राइजेस है जी 2500 की रेंज में आपको जस्ट लॉन के दुपट्टे मिल रहे हैं, जो इन्हीं के साथ के इन्होंने दिए, ठीक है। फैब्रिक इसका भी मिसूरी लॉन फैब्रिक पर ही मिल रहा है, प्लेन दुपट्टा नहीं है। मिसूरी लॉन फैब्रिक बहुत अच्छा लगता है, नॉर्मल लॉन से तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है, प्राइजेस भी इसकी थोड़ी ज़्यादा ही होती है। अच्छा ठीक है, 2500 की रेंज में आपको ये दुपट्टा मिल रहा है इनका। अच्छा, अब की दफ़ा मैं ये देख रही हूँ ये वाला जो दुपट्टे आए ना, इन सभी के अच्छे और चौड़े दुपट्टे हैं। इससे पहले वाली कलेक्शन जो मैंने आपको दिखाई थी ना, शायद वीडियो में वो सूट नज़र आ जाए तो मैं हाईलाइट कर दूँगी, उनके दुपट्टे चौड़े चौड़ान कम थी दुपट्टों की, ये चीज़ मैंने नोट की दो ना, मैंने सोचा चलें आपको बताती हूँ। उनके दुपट्टों की चौड़ान थोड़ी सी कम है, काफ़ी मेरे पास ऑर्डर्स आए थे तो ज़ाहिर है मैंने खुद से देखा था, तो मैंने सोचा चलें इसको वीडियो में बता देती हूँ, जैसे ही वो ड्रेस हाईलाइट होता है तो मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो उस ड्रेस का थंबनेल मैंने अपनी वीडियो में लगाया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते, उसी ड्रेस का जिसके दुपट्टे की मुझे थोड़ी सी चौड़ाई कम लगी है। चलिए जी, इसके अलावा यहाँ पे मैं अपनी कम्युनिटी में भी डाल दूँगी, अगर आपको सही से, अगर ड्रेस सही से देख लीजिए, दुपट्टा देख लीजिए, फिर जाके आप लोग परचेजिंग की तरफ जाया कीजिए। फिर ये होता है कि काफ़ी लोग फिर ऑर्डर आने के बाद परेशान हो रहे होते हैं कि यार हमने ये किया था लेकिन ये ऐसी चीज़ आई। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अपनी वीडियो में हर चीज़ खुल के बता दूँ मैं आप लोगों को, ताकि परेशानी वाले मामला ना हो। अच्छा जी, खाड़ी के ड्रेसेस अभी तो फ़िलहाल क्लियर है, इनमें कोई चुड़ियाँ वगैरह कुछ इस टाइप की बर्ड्स तितली वगैरह कुछ भी ऐड नहीं है, जस्ट फ्लोरल प्रिंटिंग है। इस वाली शर्ट के साथ आपको पॉकेट्स मिल रहा है और यहाँ पे दामन पे आपको इस टाइप का पलटावा मिल रहा है सेम प्रिंट का ही, इससे ये कि दामन में भारीपन आ गया, शर्ट खूबसूरत लग रही है। अच्छा, मैं तरजीह दूँगी इस शर्ट पर, अगर 4000 की ही शर्ट है तो मैं इसको लेने के लिए प्रेफरेंस दूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है इसके साथ पॉकेट्स हैं, पॉकेट्स भी हैं और दामन में इस टाइप का पलटावा वगैरह भी मिल रहा है, तो ये तो बेहतरीन है। इसके साथ का दुपट्टा यहाँ पे ये देख लीजिए, ये है। अच्छा, ये दुपट्टा तो कुछ इसमें मैचिंग का तो नहीं हो रहा, लेकिन ये के
लगाया जा सकता है क्योंकि हैंग इसी के साथ था। बाकी दुपट्टे वगैरह तो आपको खाड़ी के स्टोर पे अच्छे मिल जाते हैं, आप अलग से भी खुद भी मैच कर सकते हैं। दुपट्टों का सेक्शन अलग होता है इनके स्टोर पे। 4,000 की शर्ट है, लेकिन ये वाला कलर मुझे बहुत अच्छा लगा इस शर्ट का, क्योंकि इसमें पॉकेट्स वगैरह हैं, अच्छी लग रही है। इसके साथ के जो बॉटम्स हैं वो भी आपको सेम प्रिंट के ही प्लेन बॉटम्स मिल रहे हैं, ठीक है, ये देख लीजिए। लेकिन फैब्रिक बहुत ही प्यारा है, इनके खूबसूरत फैब्रिक है, सिल्क जैसी फीलिंग आ रही थी, जैसे सॉरी सिल्क कह रही हूँ मैं, साटन, आजकल कॉटन सेटन बहुत आ रहा है। इनके स्टोर पे जो खाड़ी के स्टोर पे जो इनके 3-पीस कोऑर्डिनेट सेट्स अभी इन्होंने लॉन्च किए हैं, उनमें कॉटन साटन के फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी लोग उनको लिलन कह रहे होते हैं, लेकिन वो लिलन नहीं है। तो अभी मुझे ये शर्ट फील करने से कोई इसी टाइप का फैब्रिक की फ़ील आई है इसमें। अच्छा जी, जो पहला मैंने आर्टिकल आपको शो करवाया था उसके साथ के ही आपको ना इसके साथ शलवार मिल रही है, ठीक है, ये देख लीजिए शलवार आपको ये मिलेगी इसके साथ। और यहाँ पे छोटे पाइंचों की शलवार है, और इसके साथ लेसेस वगैरह भी ऐड है इसके पाइंचों में, और बटन भी एडजस्टिंग के लिए बटन दिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये सिंगल शर्ट्स भी बहुत प्यारी सी आई हुई हैं, नेक लाइन भी बहुत अच्छी लग रही है। नेक लाइन मैं सही से शो करवा देती हूँ आपको भाई, बेज कलर में, ऑफ वाइट कलर में ज़्यादा शर्ट्स अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। ये रही जी इसकी नेक लाइन, अच्छी लग रही है, खूबसूरत नेक लाइन है। इतनी ज़्यादा कोई डीप नेक लाइन नहीं होगी, क्योंकि जाहिर है ये जो इसकी ऊपर से जो नेक लाइन हो रही है वो बिल्कुल आपके गले से तो स्टार्ट होगी, लेकिन इस टाइप की नेक लाइन मैं मेरे पास हैं इस टाइप के सूट, लेकिन मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती इस नेक लाइन में। जो बात है डिज़ाइनिंग अपनी जगह। अच्छा, मुझे इस टाइप में ना कुछ इस टाइप का करेक्टर नज़र आ रहा है, आई डोंट नो कि ये क्या चीज़ है, मुर्गा है कि मोर है, लेकिन फील आ रहा है कि कुछ ऐसा कैरेक्टर है इसमें। अच्छा, मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं अपने सभी जितने भी ड्रेसेस वगैरह जो मैं देख रही होती है ब्रांड्स पर, मैं कोशिश मेरी होती है सिमिलैरिटी सारी होती है, भले से वो ना हो लेकिन कुछ इस टाइप के प्रिंट्स होते हैं कि उनमें बाकायदा पता चल रहा होता है कि ये कुछ बना हुआ है कैरेक्टर, भले से उसकी आँखों में कुछ फूल लगा दें या कुछ गुलाब की पत्तियाँ लगा दें, लेकिन होता तो यार वो कैरेक्टर ही है ना। इसके अलावा यहाँ पे कुछ 3-पीस कोऑर्डिनेट सेट्स हैं जो अभी इनके स्टोर पे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सेल तो तकरीबन एंड ही हो चुकी है। सेल वाले बस कुछ ही आर्टिकल्स हैं, वो भी बस उनमें साइजेस वगैरह इतने ख़ास नहीं हैं, सेल एंडिंग पर ही है। अच्छा, मैं अभी जो आपको ये दिखा रही हूँ ना, ये पुराने आर्टिकल्स हैं, क्योंकि जो इनके अभी लेटेस्ट न्यू कोऑर्डिनेट्स आए हैं, यार अब मैं क्या बोलूँ, वो 18,000 की रेंज में आपको वो 3-पीस कलेक्शन मिल रहे हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं देखकर ही थोड़ा सा मुड़ गई, मैं बस दिल तो चाह के कवर कर लूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा काम कवर करने का, लेकिन कभी कभी यार हम लोगों का भी मूड ऊपर नीचे होता है कि यार 18,000, वो भी लॉन का आर्टिकल, 15 तक तो चलो हो रहा था, बहुत सौ को हो रहा था, बहुत सौ को तो वो भी नहीं हो रहा, लेकिन 18,000 कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। हालाँकि दुपट्टों में उस पर भी कोई लेसिस वगैरह इतनी कुछ ख़ास ऐड नहीं थी, तो अभी मैंने सोचा कि वो वाले मैं कलेक्शंस कवर कर लेती हूँ, क्योंकि फरमाइशें तो आती रहती हैं, खाड़ी की 3-पीस कलेक्शन दिखाई है तो। लेकिन यहाँ पे कम प्राइसेस भले से आप लोगों को ना लगे, मुझे भी नहीं लगते इनके, क्योंकि 10,000-15,000 इनफ होते हैं, लेकिन चले उन 18 से तो काफ़ी बेहतर ही है ना। तो आप लोग अभी फ़िलहाल ये वाले आर्टिकल्स देख लीजिए, ये आपको इनके स्टोर पर अच्छे मिल जाएंगे। जैसे कि ये आर्टिकल आ चुका है, ये देख लीजिए अच्छा लग रहा है, खूबसूरत आर्टिकल है। ये ग्रे वाला तो मुझे शुरू दिन से बहुत प्यारा लग रहा है, इसका जो फैब्रिक है आपको कॉटन साटन फैब्रिक पे मिल रहा है। नेक लाइन बहुत अच्छी प्रोमिनेंट हो रही है, क्योंकि इन्होंने बेस कलर में ही नेक लाइन नहीं दी, बहुत ही प्यारी सी नेक लाइन आपको इसके साथ मिलेगी। टेक्स्चर दुपट्टा मिलेगा इसके साथ आपको, और ये देख लीजिए स्लीव्स बहुत प्यारी लग रही हैं इसकी, आपको शिपली वर्क मिल रहा है स्लीव्स पर, ये देख लीजिए अच्छी लग रही है, खूबसूरत है स्लीव्स वगैरह। और दामन भी चेक कर लेते हैं इसका, अच्छा दामन पर भी यही शिफली वर्क ऐड है इनके, और यहाँ पे मोती वगैरह भी ऐड हैं, लूप्स भी ऐड हैं, फोल्डेड पर्ल्स भी आपको इसके मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फैब्रिक बहुत प्यारा है, कॉटन साटन फैब्रिक है, अच्छा भारी लचकदार फैब्रिक होता है ये। इसके अलावा इसकी भी प्राइजेस देख लेते हैं भाई, ये कितने प्राइजेस में है, और यहाँ पर 15,000 की रेंज में मिल रहा है आपको। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे स्लब लॉन में आपको ये 3-पीस कलेक्शन मिल रहा है। फैब्रिक इसका स्लब लॉन है, लेकिन इसकी नेक लाइन बिल्कुल लॉन्ग जा रही है नीचे तक, बेहतरीन, बहुत ही प्यारी, फ्रंट बहुत मुझे इसका खूबसूरत लगा, कलर भी काफ़ी अच्छा डिफरेंट कलर है, रस्ट कलर में आपको ये मिल रहा है, फुल 3-पीस कलेक्शन है। दोबारा से मैं बता देती हूँ, ठीक है, इसका जो फैब्रिक है आपको स्लब लॉन में मिल रहा है, जिसे आप डूबी फैब्रिक भी कह सकते हैं। इस पूरे फैब्रिक में ना बारीक बारीक सी लाइनिंग्स होती हैं, अगर आप फैब्रिक हाथ में लेंगे तो
तो आपको पता चल जाएगा। इसके साथ यहाँ पे लेसेस वगैरह ऐड हैं, पर्स हैं, और यह स्लीव्स पे भी यही इसी टाइप की वर्क आपको मिल रहा है। अच्छा, बहुत प्यारा फ्रंट मुझे इसका बहुत खूबसूरत लगा। ये देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी इतनी प्यारी कि इनकी जो जितने भी सिग्नेचर हैं उन पर भी तकरीबन इससे भी कम एम्ब्रॉयडरी आपको मिलती है। 10,000 की रेंज का बेहतरीन है, फिर भी मुझे अच्छा लगा 10,000 की रेंज में, क्योंकि एक तो कलर बहुत अच्छा है, ऊपर से इसके साथ जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह मिल रही है ये बहुत मुझे अच्छी लग रही है। इसके अलावा ये भी बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है, नेकलाइन इसकी भी बहुत अच्छी आपको मिलेगी। ये सब जितने भी कलेक्शन है ना, ये मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि लेटेस्ट अराइव है। ये वो वाले कलेक्शन है जो अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि भाई थोड़े से कम रेंज के दिखा दीजिए। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ना इनके स्टोर पर अभी मैंने देखे, जो इनके स्टोर में होंगे, जो इनके वेयर हाउस में होंगे, वो अब आपको मिल जाएंगे। स्टॉक बहुत अच्छा आया है, बल्कि रीस्टॉकिंग हुई है इन सभी आर्टिकल्स की, अभी फ़िलहाल ये मौजूद है। इसके बाद अगर ये एंड हो जाएंगे तो फिर आपको परेशानी होगी, फिर ये किसी सूरत नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये वाला भी आर्टिकल देख लीजिए, ये सेल पर आया था, अब ये दोबारा आप लोगों को फ्रेश प्राइसेस में ही मिल जाएगा। भाई सेल में तो आया था ये, फ्लैट 30% ऑफ में आया था, लेकिन अब सेल एंड हो चुकी है तो अब ये दोबारा से आपको फ्रेश प्राइसेस में मिलेगा। अच्छा, काफ़ी लोग ना इसकी वजह से भी परेशान हो रहे होते हैं कि यार ये आर्टिकल तो वहाँ हमने सेल में देखा था और यहाँ आपने बताया कि ये तो फ्रेश प्राइसेस में मिलता है। जी, ऐसा अक्सर होता है, स्टोर्स पे होता है, जहाँ साइजेस वगैरह का इशू आ जाता है वो आर्टिकल्स सेल में लगा दिए जाते हैं, और उन्हीं में के दूसरे आर्टिकल्स जिनमें साइजेस वगैरह होते हैं, जो फुल 3-पीस कलेक्शन वगैरह होते हैं, वो आपको बिल्कुल ही फ्रेश प्राइसेस में मिल रहे होते हैं, और जिनमें साइजेस वगैरह नहीं होते वो आपको ऑफ प्राइसेस में लगा दिए जाते हैं। इसके अलावा ये वाले भी जो, अच्छा मुझे ये कलेक्शन बहुत मुझे इनकी अच्छी लगी, ये अभी मुझे देख के याद आया, ये ग्रे वाला आर्टिकल और ये दोनों सी ग्रीन में भी और ये रॉयल ब्लू कलर में भी, अब मुझे याद आया कि ये कौन सी कलेक्शन है, क्योंकि इसमें के जितने भी कलर आए थे, कलेक्शंस आई थी, सभी हाथों हाथ निकली थी। ये मेरे ख्याल से दोबारा रीस्टॉकिंग हुई है, क्योंकि इनकी फरमाइशें बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत ही प्यारे खूबसूरत तरीन आर्टिकल थे। यानी कि ज़ाहिर है हर आर्टिकल अगर महंगा है तो अच्छा ना हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये कि 10,000 की रेंज में आपको अच्छा आर्टिकल लग रहा है, खूबसूरत है, प्राइसेस तो हैं ही, चलें ठीक है, लेकिन 18,000 की रेंज से तो फिर भी काफ़ी मुनासिब लगे ना मुझे, इसी वजह से मैं कंपैरिजन के हिसाब से बोल रही हूँ, वरना काफ़ी लोग इसको निगेटिव भी लेके चले जाते हैं, यार आपने 10,000 को इतना सस्ता कह दिया। यार मैं थोड़ी ना बना रही हूँ, मेरा काम जस्ट आपको बताना है। इसके अलावा यहाँ पे ये शर्ट देख लीजिए, इसकी भी नेकलाइन बहुत प्यारी है, कलर डिफरेंट है लेकिन एम्ब्रॉयडरी वगैरह सेम मिलेगी आपको। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी है, बारीक एम्ब्रॉयडरी के साथ आपको ये मिल रहा है। एक होती है एम्ब्रॉयडरी अटैच की जाती है नेकलाइंस पर, जैसे कि अलग से आपको नेकलाइन उन्होंने लेके उन्होंने उस पर लगा दी, लेकिन एक होती है फैब्रिक पे रख के एम्ब्रॉयडरी की जाती है। ये वो वाले आर्टिकल्स हैं, ये भी मैं आपको डिफरेंस बता दूँ, काफ़ी फ़र्क आता है। जैसे इन वाले आर्टिकल्स पे ना फैब्रिक के ऊपर ही नेक लाइन पे एम्ब्रॉयडरी है, इन्होंने नेक लाइन पेस्टिंग नहीं की, जैसे कि इस पे आपको बेहतरीन सी खूबसूरत सी नेक लाइन मिल रही है। इन सभी इनकी जो नेक लाइन से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, मैंने सोचा चलो मालूमात दे तो बंदा पूरी दे, क्योंकि अधूरी मालूमात कभी कभी ख़तरनाक भी हो जाती हैं। अच्छा, ये वाला जो आर्टिकल है इन पे नेक लाइन की पेस्टिंग हुई है, ये भी मैं आपको बता दूँ, बल्कि देखने से पता भी चल रहा होगा। ठीक है, इसमें ना थोड़ा सा ये देख लीजिए, नेक लाइन पर पेस्टिंग है, बाकी जो शर्ट है उस पर जस्ट आपको प्रिंटिंग मिल रही है, स्लीव्स पे आपको यहाँ पे एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स मिल रही हैं, और ये देख लें, इसी हिसाब से मैं कह रही थी कि जो नेक लाइन पे एम्ब्रॉयडरी होती है और जो पेस्टिंग के साथ इन्होंने नेक लाइन ऐड की होती है उनमें काफ़ी डिफरेंस आता है, फ़र्क आता है। इसका जो फैब्रिक है वो आपको कॉटन साटन फैब्रिक पर मिलेगा, दुपट्टा सिल्क पर मिल रहा है आपको, ये देख लें भाई, सिल्क दुपट्टा मिल रहा है इसके साथ, कलर सभी तकरीबन सभी मिल जाएंगे आपको। अच्छा, इसी में का एक कलर है, बहुत ज़्यादा मुझे वो आर्टिकल पसंद आया, शुरू दिन से ही पसंद आ रहा है, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यही कहीं आगे लगा है वो। इसके अलावा ये प्यारा सा मिंट कलर, इसमें एम्ब्रॉयडरी तो नहीं है लेकिन हाँ इसके दामन पे आपको एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी से मिल रही है, मैं इसका दामन भी आपको दिखा देती हूँ। नेक लाइन इसकी प्लेन मिलेगी आपको, फुल शर्ट पर आपको गोल्ड पेस्टिंग मिल रही है, और ये रहा जी इसके दामन पर आपको एम्ब्रॉयडरी मिल रही है। खाड़ी के स्टोर पे बहुत से ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, अगर उनकी नेक लाइन पर एम्ब्रॉयडरी नहीं है तो दामन पर वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा प्राइजेस हैं इसकी, ये वाले जो आर्टिकल्स हैं ना ये 15,000 की रेंज में आए हैं, लेकिन इनके दुपट्टे मुझे बहुत अच्छे लगे, दुपट्टों की प्रिंटिंग जैसे शर्ट पे प्रिंटिंग आपको मिल रही है उसी टाइप की आपको
रॉ सिल्क के दुबट्टों पे इस टाइप की प्रिंटिंग मिल रही है, जो प्रिंटिंग शर्ट पर है। यानी कि ये खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही प्यारे फैंसी आर्टिकल्स हैं, ईद की मुनासबत से आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा ये भी बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत मेहंदी ग्रीन कलर में आपको ये मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे इसकी ये यहाँ भी देखने स्लीव्स पर भी एम्ब्रॉयडरी है। कॉटन साटन फैब्रिक वाले में आर्टिकल्स अभी आपको दिखा रही हूँ, इनका फैब्रिक लॉन पर नहीं है, ठीक है। ये बात मैं बार बार अपनी वीडियो में अक्सर बता रही होती हूँ कि कैसा फैब्रिक है, क्या है। अच्छा जी, दामन तो क्या ही कहने, बहुत ही खूबसूरत सा भरा भरा सा दामन मिल रहा है आपको, जिससे फैब्रिक तो है ही लचकदार, लेकिन ये कि मैं ये देख रही हूँ कि शर्ट में भारीपन भी आ गया दामन की वजह से, जो और खूबसूरत लुक दे रही है। बहुत ही प्यारा सा तिल्ले का वर्क आपको यहाँ पे दामन पे मिल रहा है, बारीक वर्क मिल रहा है। दुबट्टा भी इसके साथ उसी टेक्सचर का दिया हुआ है, रॉ सिल्क दुबट्टा टाइप का है और गेंजा नहीं है। अच्छा जी, ये है वो आर्टिकल जिसकी मैं काफ़ी तारीफ़ें कर रही थी। ये मुझे शुरू दिन से ही बहुत पसंद आ रहा है। एक तो कलर बहुत प्यारा है, कॉटन साटन फैब्रिक तो है ही, लेकिन इतना खूबसूरत सा ये शाइन भी कर रहा था। फुल शर्ट पे बेहतरीन एम्ब्रॉयडरी आपको मिल रही है बारीक, क्योंकि इनका जो सिग्नेचर आता है ना अक्सर, जो 10-10, 12-12 हज़ार की रेंज की जो शर्ट्स होती हैं उन पर भी इतना वर्क नहीं होता यार, सीरियसली, जितना इस वाले आर्टिकल में इतना वर्क मिल रहा है आपको शर्ट पे। ये देख सकते हैं फुल शर्ट आपको भरी हुई मिल रही है। दुबट्टे का प्रिंट मुझे बहुत प्यारा लगा, दुबट्टा भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसका प्राइजेस चेक कर लेते हैं जी, 15,000 की रेंज में ये लगा हुआ है, तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं प्राइजेस में। इसके अलावा ये दुबट्टा चेक कर लीजिए भाई, दुबट्टे का प्रिंट देखिए, यानी कि बिल्कुल ही सेम बेहतरीन मैचिंग का दुबट्टा है, लेकिन इसके साथ इन्होंने इस टाइप की प्रिंटिंग ऐड की हुई है, फ्लोरल प्रिंटिंग ऐड नहीं की। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, थोड़ा सा टेक्सचर डिफरेंट दिया है। मिसूरी लॉन फैब्रिक का ही इसके साथ आपको दुबट्टा मिलेगा, लेकिन दुबट्टे का फैब्रिक फिर भी थोड़ा सा मुझे मोटा लगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इनके जो अभी न्यू कलेक्शन से पहली वाली कलेक्शन की तरफ आती हूँ मैं। ये वाली मैंने कलेक्शन कवर नहीं की थी, अब मुझे याद आया। यहाँ पे ये प्लेन लॉन के आर्टिकल्स हैं, नेक लाइन है, इसमें अटैच्ड नेक लाइन मिल रही हैं आपको, ठीक है। एम्ब्रॉयडर्ड नेक लाइन्स अलग होती हैं, अटैच्ड नेक लाइन्स अलग होती हैं। ये जो जितनी भी आपको नेक लाइन्स दिख रही है ना, ये अटैच्ड है। इन सभी में आपको अनस्टिच भी मिल जाएंगे। अनस्टिच की प्राइजेस तकरीबन 7,500 या 8,000 की रेंज में हैं, और जो स्टिच कलेक्शंस हैं ये 15,000 की रेंज में हैं। इसके साथ इसमें दामन पे भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह मिल रही। अच्छा, ये ब्लैक वाले आर्टिकल्स के काफ़ी मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे, तो भाई देख लीजिए, ये स्टोर पे आ चुका है। अभी मैंने विज़िट किया था कुछ दिनों पहले, तो ये मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन कल मुझे ये इनके स्टोर्स पे नज़र आए हैं। साइजेस वगैरह आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे ही देखने भाई, 15,000 की रेंज का ये आर्टिकल है, दुबट्टा इसके साथ इन्होंने क्रिंकल शिफॉन का दुबट्टा आपको मिल रहा है, लॉन फैब्रिक का दुबट्टा नहीं है, क्रिंकल शिफॉन में दुबट्टा मिल रहा है। अच्छा, ये सभी कलर्स लगे हुए हैं, हल्के फुल्के कलर्स हैं, फैब्रिक इन सभी का लॉन फैब्रिक है, बल्कि मिसूरी लॉन फैब्रिक है। होता ये भी वैसी आम लॉन की तरह ही है, बस इस पर हल्की हल्की सी बारीक, बहुत ही स्लाइटली सी गोल्डन लाइन्स होती हैं, तो इसी वजह से ये मिसूरी लॉन फैब्रिक की तरफ चला जाता है। अच्छा, ये लगे हुए हैं 9,000 की रेंज के ये आर्टिकल्स हैं, 3-पीस लॉन कलेक्शन है, प्लेन आर्टिकल्स हैं, इतने कोई इतनी एम्ब्रॉयडरी वाले आर्टिकल्स नहीं है। हल्की फुल्की सी आपको लेसेस मिल रही हैं, जैसे कि ये चॉक्स पे लेसेस ऐड की हुई हैं, और दामन पे आपको मिल रही है, ठीक है। ये देख लें कलर्स, ये सभी लगे हुए हैं जी। इसके अलावा ये भी आपको मिसूरी लॉन फैब्रिक में मिल रहा है, ये भी कलर बहुत प्यारा लग रहा है, ब्राउन कलर में, और ये सभी के प्राइजेस आपको 9,000 की रेंज में मिल जाएंगे। अब तक की तो मुझे ये कुछ सस्ती कलेक्शन लगी, दूसरी जो इनकी न्यू कलेक्शन आई है उसके मुकाबले में तो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि इन सभी की लेंथ बहुत अच्छी है। जो इनकी न्यू कलेक्शन आई है उनकी लेंथ काफ़ी आपको इनके शॉर्ट लेंथ में शर्ट्स मिलेंगी, चले इंशाल्लाह मैं उनको भी कवर कर दूँगी, लेकिन जब मूड होगा जब ही करूँगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये सभी मिसूरी लॉन फैब्रिक के आर्टिकल्स लगे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन्हें आर्टिकल्स को बाय करने में, तो ज़रा जल्दी कीजिए, क्योंकि ईद आने वाली है। फिर मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस हिसाब से जो नई कलेक्शंस आती हैं उन पर इंक्रीमेंट लग कर ही आता है, तो ये प्रीवियस वॉल्यूम के आर्टिकल्स हैं, ये आपको फिर भी कम रेंज में मिल जाएंगे। सेल फ़िलहाल एंड हो चुकी है, सेल की वीडियो नहीं है ये, और ये सभी जितने भी आर्टिकल्स हैं फ्रेश प्राइजेस में लगे हुए हैं। ये फुल 3-पीस कलेक्शन है मिसूरी लॉन फैब्रिक में, ये लगे हुए हैं, ठीक है। प्राइजेस मैं साथ साथ नीचे मेंशन कर दूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने 9,000 शायद गलत बोल दिए, ये इनके प्राइजेस 8,000 की रेंज के हैं। चले मैं दोबारा से टैग देख के मैं कन्फर्म करती हूँ। नहीं नहीं, ये 9,000 की ही रेंज के आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा मज़ीद और कलर्स भी यहाँ लगे हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया, और ये
येलो में भी काफ़ी साइजेस का इशू नहीं है, साइजेस अभी फ़िलहाल हैं। चलिए इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।